गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लास 12th ड्राइंग की क्लास में मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 3 राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि राजस्थान को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और इन 4 पार्ट्स में से हम सबसे पहला पार्ट मेवाड़ स्टाइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मतलब बता रहे थे. मेवाड़ स्टाइल में मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में पूरा बता दिया था. आज हम लोग बात करेंगे मेवाड़ के विषय चित्रों के, चित्रकारों के नाम, मेवाड़ के की विशेषताएं, इन सब पहलुओं पर हम विचार करेंगे. मेवाड़ को राजस्थानी पेंटिंग्स में सर्वोपरि माना जाता है और उदयपुर कला, धर्म, संस्कृति, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अग्रणी रहा है शुरू से. इसलिए कलाओं का सर्वांगीण विकास हो सका. चहुमुखों के विकास के लिए जितने भी चित्रकार थे वो सारे चित्रकार उत्तरदायी हैं और वहाँ की जो पृष्ठभूमि है उसमें विजिटर्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत बहुत कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो राजा थे अमर सिंह और जगत सिंह, उनकी भूमिका सर्वोपरि रही है. उन्होंने अपने टाइम पर जो पेंटिंग्स डेवलप करवाई थी, जो कलाएं डेवलप करवाई थी, वो उन्हीं की वजह से ये कलाएं जो हैं वो आगे तक बढ़ पाई थी. इसमें 3 तरीके की कलाएं विशेष प्रकार से प्रचलित थी. एक तो धर्म से रिलेटेड, दूसरी थी संस्कृति से रिलेटेड और तीसरी थी सामान्य जनजीवन से रिलेटेड. रामायण गीत गोविंद भागवत पुराण, इस तरीके की जो कलाएं थी वो विकसित हो पाई थी. प्रीतिकालीन काव्यों में ये धर्म जो थे वो चित्रित किए गए थे. प्रीतिकालीन काव्यों में पहले से ही इनका प्रचलन हो चुका था, लेकिन उनको फिर बाद में चित्रित किया गया था. उसके अलावा सांस्कृतिक परिवेश में हम देखें तो श्रृंगारिक कवि जो थे उन्होंने कविताएं रची थी जो कृष्ण पर आधारित थी और उनको बाद में चित्रित करवाया गया था, जिसमें पारहमासा गीत गोविंद, षड ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन, इस तरीके की जो कलाएं पेंटिंग्स थी उनको डेवलप किया गया था. और सामान्य जनजीवन के अंतर्गत कुछ प्राकृतिक चित्रों को चित्रित किया गया था, युद्ध के दृश्यों को चित्रित किया गया था. और ये जो कलाएं थी जगत सिंह के समय तक उन पर मुगलिया प्रभाव देखा गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे धर्म की कट्टरता के चलते मुगलिया प्रभाव गौण हो गया और हिंदुइज्म पूरी तरह से छा गया था एंड में. तो इसमें विशेष रूप से नसीरुद्दीन कृत जो रागमाला है, नसीरुद्दीन द्वारा बनाई गई जो रागमाला है वो बहुत ज्यादा फेम हुई थी राजा जगत सिंह के समय पे. नसीरुद्दीन एक बहुत ही उस समय के प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने रागमाला चित्रों को चित्रित करवाया था. रागमाला वास्तव में होती क्या है? वास्तव में रागमाला वो कविताएं हैं जो कृष्ण पर बनाई गई थी और कृष्ण और राधा पर बनाई गई थी, जिनको जो गेय थी गाया जा सकता है. जिनको आप लोगों ने हमारे वेदों में पढ़ा होगा कि अथर्ववेद जो है वो गेय है और उसी की तर्ज पर ये जो कविताएं बनी हुई थी जिनका गूढ़ अर्थ था और उस अर्थ में से इमोशंस निकाल कर नसीरुद्दीन, शहाबुद्दीन जैसे कलाकारों ने उन काव्य छंदों को रंगों में चित्रित करवा कर और एक नया प्रयोग किया था जो वास्तव में तारीफ़ काबिल था. इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त महाभागवत पुराण की गोविंद और सूर सागर जैसे काव्यों को भी चित्रित करवाया गया। बाद में मनोहर द्वारा चित्रित रामायण आपको पता है कि रामायण हिंदू महाकाव्य महाग्रंथ है, जिसे कि महर्षि वाल्मीकि ने रचित किया था, लेकिन बाद में उसको जो चित्रित रामायण जिसे आर्ष रामायण भी कहा जाता है, और उसे चित्रित करवाकर उन्होंने एक मिसाल कायम की थी कि उन्होंने पूरी की पूरी रामायण को चित्रों में कन्वर्ट कर दिया था, और वो है नाम इम्पोर्टेंट मनोहर। ठीक है, मनोहर ने इसको चित्रित करवाया था, जिसका नाम आर्ष रामायण, आर्ष का मतलब होता है छवि, ठीक है, और उसको चित्रित करवाया था। बाद में रागमाला आदि विषयों पर भी चित्रित करवाए गए ग्रंथ सूरसागर, नसीरुद्दीन, शहाबुद्दीन, मनोहर, दौलत, ये सब मेवाड़ शैली के इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं, और उस समय पे जो चित्र बनते थे वो सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए तो होते थे, परंतु उनमें कोई मतलब दिखावा बाह्य लावण्य योजना का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि उनको वास्तविकता के बहुत ही निकट रखा जाता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेवाड़ शैली में रंगों को इंडियन कलर्स को चूज करते हुए मुगलीय प्रभाव के साथ में धर्म संस्कृति और सामान्य जनजीवन पर आधारित चित्रों का बोलबाला था, और जिसमें जो चित्रकार थे उन्होंने मेवाड़ की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की गौरव बढ़ाने का कार्य किया था। और इस समय के बने हुए जो चित्र थे वो सामान्य लोगों के समझ में आते थे, क्योंकि वो वास्तविकता के ओतप्रोत थे, इसीलिए इन चित्रों को बहुत ही पसंद किया गया, और एक बड़ी क्वांटिटी में ये चित्र जो थे उनका आमोद प्रमोद उनका प्रमोद मतलब वो बेचे जा सके फॉरेन कंट्री में, उनको एक्सपोर्ट किया जा सका। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ की राजस्थानी शैली की ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें मेवाड़ की अहम भूमिका है। कल हम मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे, और आज मैं आप लोगों को मेवाड़ शैली की नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। बच्चों, उनको आप अपनी फेयर कॉपी में डेफिनेटली सीरियसली लिखें। धन्यवाद।